अब्बा क्या है तेरे सिर दर्द का? पता नहीं, आधे सर का दर्द जाता ही नहीं। सारे मामे के बादाम कोट कोट की पी गया हूँ, उन्हें भी का फर्क नहीं पड़ता। वकील जी ने भी औखा इलाज बताया है। तू तो सवेरे सवेरे हाल लेके ना चला जाया कर। वो पंजा जमीन है, कुछ नहीं देना उसने। तो और दिन चढ़ जाया करूँ हल फेरने? अब्बा शोर जमीन है, वो उगना कुछ उसमें है नहीं है। ऐने खाम खा हड्डियां अपनी तोड़वाता है, रहने तो बीज नाश करता है। तो फिर और क्या करूं?
सारी उम्र भाई दीदी की है, इस उम्र में क्या कारोबार करूंगा मैं। तो तू नौकरी कर ले, मजदूरी। इस पिंड में तो मुझसे किसी की नौकरी नहीं होती। तू फिक्र ना किया कर, अल्लाह मालिक है, वो पत्थर में भी कीड़े को खुराक पहुंचाता है, समझा। सोने देगी तो मैं सोऊंगा। अब्बा ये साथ वाले घर में किराएदार आ गए हैं। तो तालियां का भी दिमाग खराब है, कोठड़ी किराए पे चढ़ा दी। तस है कौन वैसे? को पठान है, स्वाति लगता है। चल ये अच्छा हो गया, मैं ना उसकी बीवी से पश्तो सीखने में बड़ा शौक है मेरे को। ओ कल सवेरे तो वो आया, तू पश्तो सीखने में बैठ गई उसके। हाय अब्बा, कोई साथ वाले घर में हो तो अच्छा ही रहता है ना। है ना कमली, क्या अच्छा रहता है। ओहो देखना, अब चोर आएगा है तो उसकी कंध टपेगा तो फिर ही हमारे घर आएगा, तो हो गई ना हिफाजत। ओ क्या हिफाजत हो गई, चोर ने इस घर से क्या लेने जाना है? भूख, नंग, बीमारी, गरीबी, बुरे दिन, बुरे नसीब। वो चोर चोर होता है, कोई पागल नहीं होता। समझा कमली, समझा। रात बहुत गुजर चुकी है, तो लड़ता क्यों है ना से? चलो ना से, चोर हमारे कब्जे में ना आए, उसकी मर्जी। चल समझा, हम समझा, रात बहुत बीत चुकी है।
वहां। क्या रखा, क्या कर रही है, क्या कर सकती है? बस आरती उम्र दीन जी, अब रूह नहीं मानती। और ऐसे वजीरिया दिल में ऐलान नहीं करते, खेती बाड़ी में ऊंच नीच गर्म सर्द ये होती ही रहती है। अब मेरे पास धरती को देने के लिए रखा ही क्या है, कुछ जमीन रहने रख दी, कोई दरिया बोर तो हो गई, बाकी जो 12 के लिए बची थी उसमें से चोर उठ रहा है। ओए ओए ध्यान से तोल, ओए हाथ को कोड़ चला हुआ है, रुई तोल रहा है, रुई कंडे नहीं पक्का हाथ। आप एक खत लिख दें मेरे भरा को। किसके नाम? पा कबीर के नाम, चौकीदारा करता है। अच्छा, तो तूने कभी बताया ही? लॉर्ड शहर के एक स्कूल में वो चौकीदारा करता है जी, पिछले 4 साल से। अच्छा, तो उसका खाता आया था कि उसे एक चंगी सी नौकरी मिल गई है गत्ता फैक्ट्री में। अब वो मुझे अपनी जगह पे नौकर लगवा सकता है चौकीदारे पर, बड़ी उस्तानी जी से कह के। ओए 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 फजल मोहम्मद, और ना एक पासे रूह परी जा, ना एक पासे रूह परी जा। अच्छा, तो चौकीदारी के लिए चला है अब लाहौर शहर? आरती उमरदीन जी, अल्लाह मियां ने जहां चोगा पानी खिलार दिया है, वहां से जाके चुगना तो पड़ेगा ही ना। आप ये खास पढ़ लें, पाकबीर का पिछले 2 हफ्ते से आया था। पैन वड़िये, पैन वड़िये, पक्के पक्के तोपे मारो, रूह ने बड़ी दूर जाना है, 7 समंदर पार। तेरे सिर पीठ का क्या हाल है अब? सरदाई कोट कोट के पी रहा हूं, कोई आराम ही नहीं आता। देख ले जाकर। ऐसे चौकीदारा कर लेगा, इसमें मुश्किल ही क्या है आरती उमरदीन जी, सारी रात खंगना है, टुरना है और डंडा खड़काना है। Oh!
यार कैसा आदमी है, दूसरे के घर में जा रहे तेरे को शर्म नहीं आता? तमीज नहीं सिखाए किसने लोगों को? चाचा वजीर किधर है? बे सलाम ना तो आ, ना हाल ना चाल तो पढ़ते ही बता दूं तुझे चाचा वजीर किधर है। हकीम साहब ने यार भेजा और साथ का है 14 बादाम खुशकेगा के साथ खाने हैं, एक एक खुराक के। गासुन ना हमारा बादामों का बाग है, है? हर दुआ के साथ बादाम, हर खुराक के साथ बादाम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। गासुन गासुन काला ये ले, ये रोटियां हैं तो ये ले साथ है? तो ये दया तेरा साथ वाले का। मेरे पास वक्त नहीं है जी। लो वे कि तूने झोने को पानी लगाना जाके, फिर ये मुंह मासी तालियां का किराएदार है, परदेसी है बेचारा। जा सुहाग का काम। मुझे डर लगता है जी। हाय हाय ये नतीजा होता है हकीमों के पास बैठने का, बुजदिल हो जाता है आदमी। मैं बुजदिल तो नहीं हूं। नहीं है ना, है ना? फिर जावे पर देसी है बेचारा, पता नहीं हमारी जुबान भी जानता कि नहीं। लफड़ा है इस तरह करते हैं किसी का काम, खुदा खाना होवे ते। वाए 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 वाए। वो यार जी तुम समझते नहीं है ना, हमारा वालिद साहब उधर था मंगोरा में, उसने हमको चेते लिखा कि रोशन खान तू इधर जाओ रिजक का तलाश में, बस फिर हम इधर आ गए ना खुदा खैर। मंगोरा किधर है रोशन खान? यार मंगोरा तेरे मुल्क में है, तेरे को पता नहीं कि मंगोरा को पता नहीं? नहीं पता तेरे को? ये पता चाड़ा किधर है? वो यार फिर तेरे को पता क्या है ना, वो सारा दिन बस गधे का सवारी करना जानता है, ये गंदा वाला चूसना जानता है, गंदा गंदा लड़कों के साथ खेलना जानता है, लड़ाई करना जानता है, फैसला सोखता। नहीं मैंने ये भी पता है कि तुम स्वाद का रहने वाला है, तुम्हारा कोई बहन भाई नहीं है, तुम नस्वार खाता है और तुम्हारे पास एक बंदूक है। ये देखो मेरा नस्वार का कितना पिघर, ये पता नहीं है कि मंगोरा कहता स्वाद में और किधर है। हाँ और तू अटक जानता है अटक? हाँ जी अटक का पता है, बहुत बड़ा पुल है। तू उधर उस पुल से आ गया अटक का ये नुखार, फिर स्वामी मर्दान उससे आगे मालागढ़ एजेंसी और थाना। वो खुदाई ख्वार जो तेरे को पता है मालूम है सब कुछ, सवाल किस वास्ते करते मशक्री करते ना? अब लड़ रोशन खान ये जो मंगोड़ा है ये थाने से कितना दूर है? हाँ ये मैं तेरे को बताता हूँ ना, थाना से सेदू शरीफ वो ज्यादा से ज्यादा 20 मील है, तो उधर से आगे को 2-3 मील है ना, बस शादी तो है ना मंगोरा बस। अब तुम यही रहोगे ना लाला? वाए 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 लाला का जान ये जरा मुश्किल बात है ना, वही ना रोजी जरा कम है, तो बस ये दीवार मुकम्मल हो जाएगा खैर तो मैं जाऊंगा ना इधर से। क्यों ना रोजना? वो यार उधर जिधर रहता है ना जिस क्वार्टर में, उसका साथ वाले क्वार्टर में वो सारा दिन बादाम तोड़ता है यामक। मैं उन्हें मना कर दूंगा चाचा वजीर को। वो यार बशीर यार जी बात ये है कि इधर गर्मी बहुत। मैं भी तो गर्मी में रहता हूँ लाला। वो बात ये है मारा कि हमारा वालिद साहब में हमारा दिल है, हम उसके बगैर ज्यादा देर रह नहीं सकते ना कहीं, उसने हमको हुक्म दिया कि इधर चला जाओ, हम आगे अब ये दीवार मुकम्मल हो जाए कि खैर हम चला जाएगा ना बस। फिर कब आओगे लाला रोशन? हाँ किस्मत का बात है सारा, हमारा वालिद से बोलता है वही 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 बड़ा दीनदार है हमारा वालिद साहब, ऐसा लंबा लाल नूरानी दाढ़ी नीला शफाफ आंखें, वो बोलते हैं रोशन खाना जिंदगी ऐसा मत बसर करो जैसा पत्थर पहाड़ी नाले में बेटा टक्कर मकर का साथ। कैसे लाला? यार जी
पहाड़ी चश्मा जब बेता है ना तो बड़ा जोर का साथ बेता है, पत्थर पानी का जोर मानता नहीं है ना तो सर पटख पटख कर चलता है उसमें। हमारा वालिद सर बोलता है, अरे जी बड़ा दीनदार है हमारा वालिद साहब का खैर। वो बोलता है, रोशन खाना जिंदगी का बड़ा जोर है ना जी, तो इसमें पत्थर नहीं बढ़ना, खसो खाशाक का तारा पानी के सीने पर सफर करना है ना खैर इंशाल्लाह। कैसे लाला? वो जी यार बशीर कैसा लड़का है तू यार, खुद भी गाना माना चूसते मेरे कोई बाथरूम में लगाते है, काम मेरा सारा टाइम का हरज करते है यार। सुनो यार गाना चूसो, ज्यादा बात नहीं करो, मेरे को काम करने दो। पाकबीर का खाता आ गया है, वो मुझे स्कूल में चौकीदार रखवा देगा। रहने दे तू, तू आ तो सारा दिन चौकीदारी के पास सोएगा ना, तो मैं क्या करूंगी वहां? है ओ तू मेरे कपड़े धोना, सफाई वफाई करना, हांडी रोटी करना। ना मैं कोई नहीं जाऊंगी लाहौर शहर। सुदैन क्यों लाहौर शहर काटता है तुझे? तुझे नहीं पता ये शहरी बड़े चलाक होते हैं, तेरे मेरे जैसे माते साथों को तो वेच खाते हैं, तू दे लेना। वैम नहीं करीदा चीमा पुत्र होए, छिलो कोई तो सरबंध बने रोली का, चंगा वेला चट लंघ जाएगा। ओए अब्बा मैं नंबरदारनी के घर काम ना कर लूं, उसने आप मुझसे कहा था हमारे हमारे टुकर जोगा तो हो ही जाएगा। ना 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 ना, ये चक बत्तर में बड़ी इज्जत तेरे प्यो दादे की, यहाँ नौकरी चाकरी मजदूरी नहीं हो सकती बिल्कुल। रहन दे तू, और जब वहाँ शहर में कोई रोग लग गया ना दोनों को तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा वहाँ ना। तो मुझे जो ये आधे सिर की पीर खाए जा रही है, कौन सा सारे पिंड वाले मेरे साथ आके जफियां डाल रहे हैं? सीमा पुत्र क्या कर रही है? मैंने कह दिया तुझे मैंने कोई नहीं जाना लाहौर शहर, तूने जाना तो आप चले जाना। ऊपर गुआंढियों के घर में चाती नहीं मारी दी थी पूरी हिम्मत तुरे उतर या सामान बांध, स्टेशन तक अपने में भी कुछ टाइम लगेगा। चाचा जी तुमको केम जी बुलाते हैं। हेलो जी, हिम्मत पुत्र सामान बांधने में ढिल ना करना, मैं गया थे आया। सलाम अलैकुम भाई जी। वालेकुम सलाम, आ गया तू सारी गलियां काट के। शाम को केम जी ने कहा था चाचा वजीर को बुला ला, लेकिन मैं लाला को स्टेशन छोड़ने चले गया था। अच्छा था भी तेरा लाला, किसी की परवाह ही नहीं। नहीं बाजी जी, देखें देखें घड़ी देखे गए हैं मुझे लाला। हाँ भाई तेरी तो लाले के साथ दोस्ती थी ना, हम तो बीच में हैं नहीं। वो आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे थे लाला रोशन खान। इस बात का कह रहे थे बशीरा मैंने साथियों को कभी नहीं देखा, तुम शुक्रिया अदा कर देना, मानो का अच्छा ख्याल किया। उसने भी अच्छा ख्याल किया, चलो जाते भी बंदा मिल लेता पहली बार। Thank you.
प्यालियां दीजिए। मैं था। पाक बीर, पाक बीर, चाचा चाचा कबीर। आता बोल, रात का वेला है, लोग कोठियों में सोए होंगे। हमें नहीं पता, भूख लगी हुई है। पाक बीर है, कोई है वे बंदा परिंदा? उठ बैलो रमान से, शाबाश मुक्ति। चल पाक बीर है यार, कैसे लोग है तुम लोगों को पता है? खबर दाखना बंद, फिर भी हमला करते हैं रात के वक्त भी। बाबा तुम इधर क्या करते हो? वो ये स्कूल है, कोई लड़की मड़की का खेला खाना नहीं है। नहीं हाँ साहब जी, हम बड़ी दूर से आए हैं जी। यार सारा पक्की है, लोग यही बोलता है। जाओ माफ करो बाबा, देखो ये कोठी नहीं है, खुदा का कसम है स्कूल है स्कूल। मेरा भरा बड़ा पा कबीर चौकीदारा करता है जी यहाँ पर। कबीर? हाँ, मगर वो तो चला गया ना, एक हफ्ता हो गया, क्वार्टर खाली किया। चला गया, अब क्या करें? उसके नौकरी पर तो अब हम इधर आए ना, पर तो पाक बीर किधर गया? यार मेरे को क्या खबर है, चला गया किधर खुदाई खुआ किसी गत्ता माता फैक्ट्री में। तो खान साहब आप उसका कोई अता पता हमें दे दो जी, वो हम तो यहाँ पे परदेसी हैं, ठिकाना कोई नहीं है जी हमारा। यार तो मेरी मशवरा तो नहीं दिया जरा इधर आने का, मेरे पास उसके एड्रेस वेड्रेस नहीं है। तुम ऐसा करो, सुबह स्कूल में बाबू जी को मिलो, खैर वो अपना रजिस्टर वजिस्टर खोल कर बताएगा उसका पता बखुशी। पर हाँ साहब जी, इस वक्त इन्हीं राज गए, एक जवान जान को लेके मैं किधर जाऊंगा? तो यार तो ये पहले सोचना था ना, जब अपने घर को अलविदा बोला तो उस वक्त सोचना था ना। अब जनानी मनानी को साथ लेकर फिरते तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना? देखो बाबा, खुदा का पारा माफ करो, हमारे पास टेम नहीं है लड़ाई झगड़ा मगड़ा के लिए खुदा का पजल से। हाँ तुम फिर आए, वो इतना रात को सवारी के साथ किधर जाता है? कबीर तुम्हारा रिश्तेदार है ना? हाँ जी, वो चाचा है मेरा सगा। ओ, जी नहीं, तुम चुप करो, तेरे को मालूम नहीं है। तो बाओ मेरे साथ, वो अपने कबीर का क्वार्टर जो है वो खाली है, मैं तेरे को रात का रात उसमें ठहराऊंगा और सुबह रुख्सत करूंगा। का खैर हमारे स्कूल के हाथी में किसी को ठहराने की इजाजत नहीं है, खुदा का कसम। अब सामान लाओ, लाओ शाबाश। हम उठावे लेता हूँ। नहीं मैडम नहीं, और डिटेल इस बात के मजाज नहीं है कि वो ऐसी जा सकते। देखिए बाबूजी, मैंने इस बार DDPI से पूछा था कि हम बैडमिंटन कोर्ट्स का खर्चा यूनियन फंड से ले सकते हैं। गेम्स फंड से ले सकते हैं, यूनियन फंड से नहीं मैडम। मुझे खुद ऑडिटर्स ने कहा था कि कभी कभार हो सकता है। वो देखे मैडम, फिर वही सालाना पड़ताल के वक्त ऑब्जेक्शन लगाएंगे जैसे पिछले साल हुआ था। क्या हुआ था पिछले साल? पिछले साल वो खुद कहकर गए थे कि जो सामान राइट ऑफ हो गया है उसे आप नीलाम कर सकती हैं, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि पहले सामान को आप दिखाएं, फिर राइट ऑफ करवाएं, फिर उसका नीलाम करवाएं। अच्छा बाबूजी, इस जमान में अंदर आ सकती हूँ? मैं जा सकता हूँ? जाइए बाबूजी, जब आप कोई मसला ही नहीं सुलझा सकते तो जाइए प्लीज। ठीक है मैडम, वो तीन लड़कियां आई हैं जी। कौन सी लड़कियां जी? वही जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पर इनाम लेने नहीं आई थी। इस वक्त जी यही उनका फ्री पीरियड है जी। बुलाइए। आ जाइए रुबीना, मुसरत, शायद आ जाइए। मैडम
वालेकुम सलाम। बच्चे तो फैंसी ड्रेसेस में आए। जी मैडम, इनकी ख्वाहिश थी कि जिन ड्रेसेस पर इन्हें इनाम मिले हैं इन्हें भी इनाम वसूल करें। रुबीना स्तिकी फर्स्ट प्राइज, शाहिदा अकरम सेकंड प्राइज और मुसर्रत अजीम कॉन्सोलेशन प्राइज। सलाम अलैकुम मैडम, तुम फ्री हो जाओ फिर हम तुमको जरूरी बात बताएंगे। थैंक यू मिजमान। हाँ क्या बात है रोशन खान? वो मैडम साहब वो अपना कबीरदीन का भाई गांव से आ गया ना इधर बगैर इतला के, और खुदाई ख्वार उधर क्वार्टर में बीमार पड़ा। उसको क्वार्टर में रहने की इजाजत किसने दी? नहीं इजाजत में इजाजत किसी ने नहीं दी है मैडम साहब, हमने ठहराया उसको आरजी तौर पर। देखो रोशन खान, हम किसी को भी सरकारी क्वार्टर में नहीं ठहरा सकते, ये गैर कानूनी बात है। हाँ जी, हमने उसको बोला था ना, लेकिन वो बीमार पड़ गया खुदा को। देखो ये 10 रुपए उसको दो और उसे कहो कि वापस गांव जाकर बीमार पड़े। ना मैडम जमान साहब ना, ऐसा नहीं बोलो ना जी, वो कोई फकीर वकीर तो नहीं है ना, बात को समझा करो, वो तो रेजक का तलाश में इधर आया ना जी, नौकरी वोकरी ढूंढता है खुदा ही खुदा। अच्छा फिर ऐसे करो कि तुम नौकरी छोड़ दो, हम उसे तुम्हारी जगह रख लेते। हम मैडम सर, हम तो क्यामत तक ऐसे नहीं जाते ना जी का खैर, वो हमारा चाचा ने मैंगो रख में सब खत नहीं लिखा था कि हम उधर चला जाए, तो हम नहीं गया तो किस वास्ते नहीं गया? फिर क्या कर सकते हैं रोशन खान, नौकरी की जगह तो पूरी हो गई। वो जी मैडम साहब आप उसको भाई रखो ना जी, चपरासी भर्ती करो। कबीरदीन के भाई को? वो ना हेरे जी, वो उसका बेटी है ना, अच्छा तक रहा है पिदर सो। ठीक है बाबूजी को बुलाओ, देखते हैं कोई वैकेंसी है। वैकेंसी है रे जी, बाबूजी ने मेरे को बताया था जी मेरी उम्र की जगह खाली पड़ी है। मैं कह रही हूँ कि बाबूजी को बुलाओ। हाँ जी बुलाएगा ना जी, अभी बुला कर लाएगा ना जी, क्यों नहीं बुलाएगा खैर, अभी इंशाल्लाह अल्लाह का फजल से उसको बुला कर ले क्या तुम जरा। हिमा हिमा पुत्र मुझको किसी डॉक्टर शिव को बुखाओ, मैंने ठीक नहीं होना, मैंने ठीक ठीक नहीं होना। अब्बा अब मैं कहाँ लिए लिए फिरूं तुझे, अल्लाह आप आराम देगा, जिसने बुखार चढ़ाया ना वही शफा दे। पुत्र ये बुखार आपकी उतरने वाला नहीं है, मुझे किसी थाने के पास ले चल। अच्छा अब्बा अच्छा रोज अच्छा कह देती है, किसी को बुखाती नहीं, किसी के पास नहीं मुझे लेके जाती, मुझे ठंडा कर। अब्बा एक बात बता, ये तुझे कौन कहता है कि तू सर्दी में यहाँ पड़ा रहे है? सूरज डूबने के बाद एक लेटा रहता है यहाँ पे, चल उठ अंदर चल। अच्छा चल अंदर। हाँ अच्छा तू भी दोनों टाइम मिल रहा है इस वेले, चारू फेरना छोड़ दे वाला। यही टाइम होता है मेरे पास ड्यूटी के बाद। अच्छा पुत्र पता नहीं समझता क्यों नहीं है बात को तू, हर वेले नसीहत हर वेले नसीहत। ओए 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 कैसे लड़की है तू, अपने वालिद साहब की बात को बुरा मानता है, खमक ले नालायक है बिल्कुल। तुम्हें नहीं पता रोशन खान की आदत है, बोल ही जाता है बोल ही जाता है। हमारा वालिद साहब ऐसा रूप वाला आदमी है, ऐसा रूप वाला आदमी है, ओए 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 ओए। जब वो पहाड़ी से नीचे उतरता है उसका लाल नूरानी दाढ़ी धूप में चमकता है। अला अपने वालिद साहब की ज्यादा बढ़ियाई ना किया कर, आदमी होछा लगता है। देखो देखो चुप करो चीमा, हम अपने वालिद साहब के खिलाफ एक अरब नहीं सुन सकते क़यामत तक का खैर। अच्छा तो मुझे क्या पड़ी है तेरे प्यो को कुछ कहने की? प्यो ओए प्यो तेरा है, मेरा वालिद साहब है वालिद साहब। हाँ भाई तेरी हर चीज ही वखरी है, नसवार ये बंदूक ये बाजा ये। ओए बाजा मत बोलो नसीम बीबी, भेजो भेजो। अच्छा यार तुम कैसे नौकरी मोकरी करेगा, तुम हमको मैडम जमान साहब के सामने शर्मसार कराएगा इंशाल्लाह। क्यों क्या किया मैंने, चोरी की है? ड्यूटी करती हूँ अपनी वक्त सिर, वो मिसों की तरह नहीं नीटिंगी करती रहती है सारा दिन क्लासरूमों में, मैंने कभी ऐसा किया? ओए ओए चुपशा चुपशा, वो यार कितना लंबा जबान है तेरा, और वो टर 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 न सोचता है न रुकता है, बस बोलता है बोलता है बोलता है। तू तो जैसे बड़ा चुप रहता है। हम
हमारा बात और है। अच्छा जी, हमारा वाले से बोलता है पतवाहत मर्द का हुसन है, हुसन है जी। क्या हुसन है मर्द का? ओ या मेरे खुदाया, वो तुम तो जाहिल है, जाहिल मुतलक का मकल है। देखो देखो चीमा बीवी, अगर नौकरी मोकरी करना है तो मेरे से कुछ सीखो और जिन्हें फायदा उठाओ ना मेरे तजर्बे। चले लिखे, चले अपना सबक लिखे, शाबाश। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ी मैडम जी ने जी हाजिरी का रजिस्टर मंगाया। ये लो भाई रजिस्टर। थैंक यू। इस्लाम में इबादत के जमीन में कस्बे हलाल को बड़ी अहमियत हासिल है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। जिस मुआशरे में ये ना हो वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो जी मैडम जी ने बुलाया है जी। कौन सी मैडम? हाय, बड़ी मैडम जी ने स्टाफ रूम में बुलाया है जी। वो कहते हैं कि जब ब्रेक हो जाएगी ना तो दूसरे पीरियड में मीटिंग है जरूरी। अच्छा सुन लिया। ना जी सुनी नहीं, ना लेना पहुँचना भी है, जरूरी है, मीटिंग है फौरन से पेशतर। तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो चीमा, तुम्हें पता है मेरे चाचा किस ओहदे पर है? मान से कसम खाएं। ना जी, तो फिर आपको क्या लोड़ पड़ी हुई है यहाँ पे खामखा नौकरी करने की? चलें उठे आप, चलें चलें घर चलें, आप जाके मौजें उड़ाएं। मौज तो खैर मैं यहाँ भी कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें इससे गरज? जाओ अपना काम करो। पढ़ो राबिया, फिर से पढ़ो। इस्लाम में इबादत के जमन में कस्बे हलाल को बड़ी अहमियत हासिल है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। ओहो बाबा, मैंने सुन लिया है तुम्हारा पैगाम। अगर स्कूल में भी तो आ जाऊंगी। चलो अपना काम करो, पढ़ो राबिया फिर से। इस्लाम में इबादत के जमीन में कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। जिस मुआशरे में ये ना हो वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। ऑफिस में बैठे आपको बुलाया है। जमीला साहब, यू वांटेड इन द ऑफिस। यस यस, हाँ जी, आए जी आए। मिस किधर है जी आपकी? पता नहीं जी, इसके सर पर ताज है। गया वो हमारा पीछे, पर हम दरख्त के नीचे चला गया, वो गायब हो गया। हम फिर चला, वो फिर हमारा पीछे। पूरा जासूसी करता था ना खुदा ख्वार ना। पर दुआन, तुम्हारे पास बंदूक नहीं थी? था? एक फायर करता तो वो भाग जाता ना। फायर किया ना हमने, दो फायर किया, मगर वो दलेर था, पूरा दलेर था, रास्ता छोड़कर भागा नहीं, उसने भी फायर किया। तो तुमने लुक छुप जाना था रोशन खान। बोरा था सोए, वो तुम मेरे को बुजदिल समझता है। वजीर साहब, हमारे वालिद साहब ने बोला
रोशन खाना, तेरा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन है तो तू खुद अपना दुश्मन है। बस सीने में गोली मारनी थी तूने। खाम खा खून करना था किसी का, अंधेरे में दरख्तों के ओले लुक जाना था। अब दरख्त तो चुपता था ना, वो भी चुप जाता था। हम चलता था, वो चलता था। पूरा पक्का यार था ना वो आदमी। पर वो था कौन रोशन खान? हम उधर में गोरा में नया नया था ना, हम तो किसी को जानता भी नहीं था ना। पर इस तरह कदम कदम पीछा करने वाला हो कौन सकता है? हम बताए पता है? अब बता लेना, क्या लम्बी बाणी लेके बैठ जाता। ओ यार एक तू बड़ा एहसान फरामोश है। अब मैं तेरे को नौकरी दिलाया और तू मेरे साथ ऐसे बात करता है जैसे सब लोग कुत्ते घुराते डालते। इसकी ये मजाक कोई अदब के साथ बात किया अगर खान साहब के साथ? ना, मैंने इसको जोटी मारी है। जी जी तो कही जा रहे हैं सुबह से। खा 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 प्रेदा प्रेदा मड़ा छोड़ो, माफ किया मैं तेरे को। लेकिन अगर मेरा वालिद से होता तो तेरे को पूरा अकल सिखाता बंदूक का साथ। अच्छा 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 चल वो बता वो कौन था फिर? वो मेरा साया था ना, और कौन था? साया? हाँ मैं चलता वो चलता, हम बैठता वो बैठता, हम खाता वो खाता। साया? हाँ हम दरख्त के नीचे चुप जाता वो भी चुप जाता। पर साया ये क्या बात हुई रोशन खान, तुम्हारा साया कोई दूसरा आदमी कैसे हो सकता? ओए खुदाया ओए खुदाया ओए, जब तुम पूरा बात समझता नहीं है तो बोलता क्यों है बीच में? वजीर साहब ना तुम हमको बताओ, जब अंधेरा आता है तो साया जुदा होता है कि नहीं? ये तो तुम ठीक कहते हो खान साहब, जब सूरज छुप जाए तो साया जाता रहता है। आओ कला खुदाए तो खैर के। तो हमारा वालिद साहब ने बोला रोशन खान दुनिया में जो आदमी जो शख्स अंधेरे में मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़े वो दूसरा आदमी है, समझे? तुम ठीक कहते हो रोशन खान, औखे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है। आओ कहना सुहा ले, मैं इतनी देर से परेशान, मैं क्या पता नहीं कौन इसके पीछे लगा हुआ है, ताक में है इसकी, ये बात की है इसने। आ तुझे भी पुठी मत्ते तेरी। हाय खुदा है। ना आप मुझे बताएं बाबूजी, इंसाफ से आप मुझे बताएं कि मेरे आने से पहले इधर सफाई कौन किया करता था? यार एक तो तुम बात किसी का सुनते नहीं है ना, औरत में यही तो मुश्किल है बाबूजी, उसका कोपड़ी छोटा होता है, उसका समझ में बात आता नहीं। वो यार हम सफाई करता था हम सफाई, लेकिन हम इधर स्कूल में चौकीदार है ना, कोई सफाई मुफाई पर तो मुकर नहीं है, क्यों बाबूजी? हाँ हाँ तो जब तू पहले किया करता था सफाई तो अब तुझे क्या भाई? छिमा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मिस जमान के कहने पर चंद दिनों के लिए रोशन खान ने सफाई का जिम्मा लिया था। हाँ जी खुदाए ना खैर के ना बाबूजी, बाबूजी बड़ा सच्चा आदमी। बाबूजी अगर मेरा वालिद साहब को पता चले कि हम इधर स्कूल में सफाई मुफाई करता है तो गम से मर जाए, खुदा का कसम एकदम। अच्छा जी तो मेरी हड्डियां मुफ्त की आई हुई है, मिस साहबा के दफ्तर का जी सारा काम मैं देखती हूँ जी, और वो जो मेहमान आते हैं उनका गिला शिकवा सारा मेरे जिम्मे, और माली को बुला चपरासी को बुला रजिस्टर लिया रजिस्टर पूछा और वो उस्तानी को बुला और ये कर वो कर, सारे सारी मेरी ड्यूटी है। वाई 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 इधर बात हो रहा है सफाई को और तू सारे स्कूल को बीच में लाती है। अभी अभी कल की बात है जी बाबू जी, कल की बात है, मैंने खुद बैडमिंटन कोर्ट बनवाया अपनी निगरानी में खुद माली के साथ मिलकर शपाशप, नहीं ये मेरी ड्यूटी है। बात सुनो छीमा बात सुनो, अभी तुम्हारी नौकरी पक्की नहीं हुई और जब तक नौकरी पक्की नहीं हो जाती काम की ज्यादती तो होती है। हाँ जी ओ बाबू जी इसको अकल नहीं है, इसको समझाओ ना। रहने दे बड़ा अकल वाला। बात सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम दोनों ने आपस में झगड़ना है और मेरी बात नहीं सुननी तो फिर दफ्तर से बाहर चले जाओ, और अगर बात मेरी सुननी है तो फिर मैं कुछ अर्ज करूं कुछ कहूं। हाँ ना कहो ना बाबू जी, 100 बार कहो लाख बार कहो इंशाल्लाह हम सुनता है ना तो खैर है। 15 दिन सफाई करोगी छीमा तुम, और 15 दिन सफाई करोगे रोशन खान तुम। ना बाबू जी हम के स्वास्थ्य सफाई मफाई करेगा ना खैर है। वो यार बाबू जी इधर बच्चा लोग खुदाई ख्वार इतना बेसिक गंदा करता है, बोर्ड पर लिखता है पेलर सोखता है ऐसे गंदा। हाँ हाँ तो क्यों मैं क्यों जी इतना ज्यादा काम करूं, मुझे चट्टी पड़ी हुई है,
ऊपर से पियो भी मेरा बीमार है। ओए खुदाया, ओए पियो क्या होता है, वाले साहब क्यों नहीं बोलता? अच्छा हमारा हमारा पियो हमारा जो जी चाहेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 20 मिनट के लिए दफ्तर से बाहर चले जाओ और इस बात का खुद फैसला करो कि ड्यूटी का तुमने क्या करना है। चलो आने बाबू जी, हम इसको समझाएगा ना। खैर बाबू जी, लेकिन ये ऐसा एहसान परामोश लड़की है, ऐसा एहसान परामोश लड़की है, खुदा का कसम हमने इसको नौकरी दिलवाया ना जी। मेरे जमान साहब से इसको क्वार्टर लेकर दिया रहने के वास्ते, लेकिन अल्लाह का शान है किसी का बात नहीं सुनता, किसी का एहसान नहीं लेता ये फिदर सोखता खुदा। और कम अज कम हकीम जी की दवाई से कुछ कुछ सामान तो था मुझे। आराम था, बोरी भर के बादाम खा लिए थे तो रत्ती पर सिर दर्द रखता था। कढ़ाई चढ़े होंगे पेंड में, गरम गरम गुड़ निकलता होगा, खुशबू आ रही होगी ताजे गुड़ की। चलो ना अब्बा, अगर तुझे पिंड से इतना ही प्यार था तो छोड़ा क्यों था उस जगह, बता ला। मजबूरी पुत्र, और क्या, कच्चे माल्टे लगे होंगे चोरी फजल लाई के बाग में, दो चार सुथरे माल्टे मुझको भी मिल जाया करते थे खाने को। अब्बा मैं तुझे लाऊंगा। नहीं, लाया तो मैं ही हूं, पर अब वापस भी तो जा सकते हैं ना। ले वापस पला, किस तरह चले जाए अब तो, क्या है वहां पे, क्या है भूख ना ताने रिश्तेदारों के। तो जब से रोशन खान का ध्यान नसीब हुआ है, चैन की नींद ही नहीं सोया करी। और जब भी मेरे सोने का वेला होता है, इसको साग बजाने का ख्याल आ जाता है, साग बजाने शुरू कर देता है। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं अभी बंद कराती हूँ इसके साथ। है तुझे रोशन खान, की बातें सिखाते हो ना दूसरों को, तो खुद तो तुम्हें जरा नहीं ख्याल होता दूसरों का। तो यार आपने क्या किया है, पेश हो जाता है, दिल खुश करता है। हाँ तो यही तो बात है ना, हमारा प्यो वाले साहब है नहीं, बीमार है वो, तुम्हारा बेंजो सुन के सो नहीं सकता वो। क्या हुआ है वो यार, ये तो बड़ा ज्यादती किया ना मैंने, मेरे को बेंजो नहीं बजाना चाहिए, बड़ा गलत किया है। रोशन खान बेंजो रखेगा फिर तुम्हारा बात सुनेगा। आज बोल रोशन खान, कल तुम खेचल ना करना, मैं कर लूंगी तुम्हारे हिस्से की सफाई। ओ ना मरा ना, तुम अपने वाले से खिदमत करो, सवाब का काम खैर है, बीमार आदमी है ना, आम सफाई मपाई करके फिर क्वार्टर में आएगा। बस कह दिया मैंने, कल से मैं सफाई कर लिया करूंगी वहां की। अच्छा वो कैसे लड़की है, किसी का बात नहीं सुनता, किसी का बात नहीं सुनता। ओए तुम, इतना छोटा सा कद है, ऐसे मामूली से शक्ल उस पर ऊपर उछलता है, गेंद के माफी ऊपर उछलता है, खुदा ख्वार।
साहिमा बेटे गिनती याद है ना? जी अम्मी। तो सुनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिरम बेटे जो नज़म याद है सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, above the what? So high, like a diamond in the sky. बस जी बस बस, अब आज का एडमिशन और नहीं होगा, कह दिया मुझे मिस मान ने। टाइम नहीं है आज का, हाँ जी टाइम खत्म हो गया। तो आप लोग अब ऐसा करें कि कल आप 10:30 ठीक आ जाएं। कितने बजे? 10:30। हाँ तो कल आपने आ जाना है वक्त पे, फिर बाद में आप लोग रोते हैं, हैं जी। तो अब मैंने बता दिया कल आ जाएं, चले अब। चलो बेबी कल जी, कल आना आप 10:30 तक। सुनिए जरा बात सुनिए, ये मुझे अंदर जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे अंदर। अगर पहले मैंने आप पे तरस खाना था ना, तो अब तो आपने मुझे पक्का ही कर दिया। वैसे समझा क्या आपने मुझे, हैं जी? नसीम नाम है मेरा, चपड़ासन हूं मैं मिस जमान की, याद रखना। चलें अब, चलें जी कल 10:30 जाए। अरे जी ये दवाई हम खुद लेकर आया है तुम्हारे वास्ते, दिन में 3 खुराक खाना है क्या खैर है। यार ढीला मत पड़ो ना, ठीक हो जाएगा, तगड़ा पेट इंशाल्लाह। तेरी मेहरबानी है रोशन खान, अखीरी उम्र है, अखीरी पैरा है, कोई हर्ज मर्ज हो गया तो छीमाचारी अकेली शहर में क्या करेगी? ना ना वजीर काका जी ना, ऐसे बातें मत करो ना मायूसी का। वो मड़ा डॉक्टर साहब ने हमको खुद बोला है कि तुम ठीक हो जाएगा, थोड़ा दिन में ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, बस एक बार चीमा मुझे चक 72 में ले जाए तो मैं ठीक हो ही जाऊं। अब्बा अब्बा वो ना उधर बड़ा मजा आया ना स्कूल में, उधर उधर ना वो पार्टी हो रही थी तो वहां पे लड़कियों ने लुड्डी डाली और बता ड्रामा किया, उस्तानियों की नकलें उतारी। किधर था खुदाई ख्वा? उधर था स्कूल में वेयरवेल पार्टी हो रही थी, उधर मिस वान ने खुद से हमारी ड्यूटी लगाई हुई थी, उधर था सर था, वहां जर रहना था। अब ये देख मैं तेरे लिए मिठाई लेके, बड़ी मजेदार, इसमें पता है एक ना शहरी मिठाई है, ये देख तो खा के देख, बड़ी मजेदार है कसती। ये ले। तुम भी खा लो रोशन खान। ये देखो पार्टी मार्टी का डेफटी समझ में आता है, ये नजर नहीं आता है कि तेरा वालिद से बीमार है, कैसे तेरा खून सफेद हो गया है। ना तो इसको मैंने बीमार किया। वही जब ये बोलता है कि मेरे को पीड़ ले जाओ बदबख्त, तो इसको पीड़ लेकर जाता क्यों नहीं है? बस है ना कोई वजह, पीड़ ले जाओ। पहले पहले ये 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 यहां आना चाहता था, मैं नहीं आना चाहती थी, अब ये जाना चाहता है तो बस मेरा दिल नहीं चाहता। वजह वजह बताओ, कोई कैसा औलाद है तू, वजह बताओ पितर सोखता। देखो रोशन खान गाली ना देना तुम मुझे। बस है एक वजह, देखिए मैडम आपने मॉर्निंग शो किया जबकि नई मिस ने इवनिंग में ज्वाइन किया। बाबूजी ये रिपोर्ट DPI के दफ्तर में भेज दीजिए। देखिए मैडम नई मिस ने 1 ज्वाइन किया और आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट में मॉर्निंग लिखा हुआ। बाबूजी 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, बिचारी की बस लेट हो गई थी। ऑब्जेक्शन हो सकता है मैडम। आप फिक्र नहीं कीजिए बाबूजी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेज दीजिए। सलाम अलैकुम, मेरे साहब हम अंदर आ सकते? वालेकुम सलाम, आओ रोशन खान कैसे आए? वो मैडम जमान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो जी एक आरज है, वो चिट्ठी आया है, मेरा वालिद से बीमार है तो मेरे को थोड़ा छुट्टी चाहिए, जरा लंबा छुट्टी। क्यों बाबूजी रोशन खान की कोई छुट्टी ड्यू है?
वो जी अपना हाँ जी वो बाकी है जी, वो सारा छुट्टी बाकी है, वो केजुअली केजुअल साहब बाकी जी। छुट्टी तो इसकी ड्यू है, लेकिन रोशन खान तुम्हें फिर भी देकर जाना पड़ेगा। हाँ जी हमको मालूम है ना जी, हम पूरा बंदोबस्त करेगा कि खैर तक जाएगा ना इंशाल्लाह। हम उधर से अपना कोई जिम्मेदार दयानदार के लिए वो लाएगा, उसको इधर छोड़ेगा, फिर जाएगा ना कि खैर, आप फिक्र नहीं करो इंशाल्लाह। ठीक है जी, तुम हमारा मुल्क को औरतें देखो ना तो तुम्हारा आंखें पट जाए खुदा के पजल से। तू काफ का पारी है ना, एक एक शिंस सर गए मतलब नीला आंखें सुपेद रंग यकदम। तुम्हारा जैसे सूरत तो नहीं है ना कि आदमी देखे तो रात को डर जाए। चलो ये तो बनाने वाले की मर्जी, रोशन खान जैसी सूरत बना दी बना दी, कोई अपने बस की बात थोड़ी। वो यार मेरा बहन की बेटी है बच्चे भी पे, ऐसा खूबसूरत है, ऐसा खूबसूरत है, वही 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 साहिब जान मेरा मासी का लड़की है, तुम उसको देखे तो तुम्हारा होश उड़ जाए। तो अपने आप को समझता क्या है? कुछ नहीं यारा, तुम हमारा खानदान का सारा औरतें देखो ना तो फिर तुमको पता चले हमारा तुम तो उनका पैर धोने का काबिल भी नहीं है ना। हाँ हाँ रोशन, ये बदशक्लों की दुनिया थोड़ी है, वो बेचारे तो हाथ जोड़ने पैर धोने के लिए पैदा होते हैं, खिदमतों चुके। वो यार है जी, हम तुम्हारा समझाने को बोलते हैं ना, तुम्हारा वाले से बीमार है उसको पेंड ले जाओ, इधर कुछ नहीं है। ले जाऊंगी रोशन, जब चली जाऊंगी ना तो घी के चिराग चलाना, अच्छा खुशी मनाना, पार्टी करना। ओए नहीं नहीं, ओए देखो खुदा का कसम है मेरा ये मतलब नहीं है कि मेरे को तेरे जाने का खुशी, मैं तो ये समझाता हूँ कि वाले साहब तुम्हारा बीमार है, खुदा नहीं करे इधर कोई अरज मरज नहीं हो जाए। रोशन खान नीली आंखें और गोरा रंग ही तो सब कुछ नहीं होता, और भी तो कुछ होता है लोगों में। मसला ना यार जी, तुम मेरे को बताओ मसला। देखो जो खूबसूरत है उसका रूह भी खूबसूरत है, बस एक चीज दिल भी होती है रोशन खान। हो सकता है मेरा दिल अच्छा। यार तुम ज्यादा फिक्र नहीं करो ना, देखो हम नहीं मानते, अब जैसे तुम्हारा ये शक्ल है पुराना नाशपाती जैसा, तो तुम्हारा दिल भी तो ऐसे ही होगा ना। अभी तेरे को किसने बताया, किसने बोला पदर सोखता है कि तुम्हारा दिल अच्छा है? मर्जी।
ना सोती उससे कोई मर थोड़ी सकता है। रोता है यारा, मेरे खुदा का कसम है मैंने तेरे को नहीं रुलाया है। अब अगर तुम रोते हो तो तुम्हारा अपना मर्जी है, तुम्हारा अपना फेल है, हमारा कोई गलती नहीं है इसमें, खुदा का कसम है। ये तो मुझे पता था रोशन खान कि मैं खूबसूरत थोड़ी हूँ, पर मैं समझती थी कि लोगों को दिल नजर आ जाता होगा। तुम्हें मेरा दिल वो क्यों रोता है? वो क्या हमने तेरे को मना? हमको बताओ, हम उसका सीने में गोली मारेगा जिसने तुमको दिल तंग किया है। यार मत रो ना, हमको बताओ, फिक्र नहीं करो, तुम्हारा वाले सेब ठीक हो जाएगा मरा, मत रो ना। क्यों रोता है? देखो ये गुलाम तुम्हारा हमसाया है, तुम्हारा रोशन खान है, हम दीद करेगा। तो मेरे को बताओ तेरे को क्या गम है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये वो नसीम चपरासन का दरवाजा भी खोला है और वो डिप्टी पर भी हाजिर नहीं है फिदर सुख्त। वो तो इस्तीफा दे गई। इस्तीफा? कब? कैसे मड़ा? वो तो नहीं जा सकता है ना। क्यों, उसने तुम्हारा कर्ज देना था क्या? हाँ ना जी, वो 5,000 भी उसका पास था और सूद भी। अब तो तुम्हें चेक 72 में जाना पड़ेगा रकम वसूल करने के लिए। जी ठीक है जी, रुस्खत किस वक्त हो गया पितर सोख्त? मुझे तो माई शीदा उसका इस्तीफा देकर गई है, मेरा ख्याल है कि वो रात ही को निकल गई। ठीक है ना जी, मर्जी है ना सबका, कोई किसी को रोक कैसे सकता है। ओए 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 ओए, कैसा लोग है इधर का, जाते वक्त खुद हाफिजी भी नहीं करता। अच्छा तुम ये अंगूठा लगाओ और तनख्वाह लो, चलो। हाँ जी, लगाएगा नहीं, तो बड़ा जरूरी काम है अल्लाह के फजल से। हाँ हाँ इधर ठीक है, ये लो। मेहरबानी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ रोशन खान? मैडम साहब जी, ये हमारा अस्तीफा है आज का तारीख में इंशाल्लाह। इस्तीफा? अच्छा, ये मैं कैसे कबूल कर सकती हूँ रोशन खान? तुम जैसा जिम्मेदार नेक आदमी मुझे कहाँ मिलेगा? हाँ जी, वो तो आपका बात ठीक है ना जी, लेकिन हम फिर भी नहीं आ सकते ना फिलहाल से। वो तुम्हारा गिराई क्या हुआ जिसको आना था? वो हमसे पहले मेरा कर चला गया है ना जी, उधर हमारा वालिद साहब अभी इतना बीमार नहीं है, लेकिन वो खुदाई ख्वार गर्मी से डरता है ना जी, माना बनाता है कि उसको हमारा वालिद से मोहब्बत है। चलो मैं कोई फिदवी रख लूंगी, तुम जब भी महीना दो के बाद वापस आओ तो इधर ही आना, वादा करो। वादा? वादा हम कैसे कर सकता है मैडम साहब जी, ये वादा वाला बात तो मुश्किल है ना जी। देखो ना जी, हम उधर जाएगा, अपना वालिद साहब का तबीयत देखेगा, फिर फैसला करेगा अल्लाह के फजल से। अच्छा रोशन खान, जब भी आओ ना इधर ही आना हमारे पास। वो मैडम साहब जी, बात असल में ये है ना कि हम शेर का बाशिंदा तो नहीं है ना जी, तो उधर हमारा इलाके में इतना कटा मीठी नहीं होता अल्लाह का कसम। क्या मतलब? वो जी देखो ना जी, इधर बस गुजरता है तो मीठी उड़ाता है, कार जाता है तो गरज का बादल छोड़ता है, और रेश का खुदाई ख्वार शोर भी इतना करता है, बदबू भी इतना छोड़ता है, फिर भी मिट्टी उड़ाने से बाहर नहीं आता अल्लाह के फजल से। यहां से सीधा मालाकंड जाओगे? नहीं मैडम साहब जी, इधर से पहले मैं एक पिंड में जाऊंगा ना जी, उधर हमने एक दीवार बनाया था, उधर हम कोई काम है का।
कभी कहते हो वालिद बीमार है, कभी कहते हो गांव में काम है, ये गड़बड़ क्या है? वाह ना मैडम साहब, क्या हमको उधर किसी से माफी मांगना है? थोड़ा दंगा मंगा किया था ना जी, तो उसका माफी, तो उधर से माफी लेकर फिर हम वाला कर जाएगा इंशाल्लाह। माफी मांगने में कितनी देर लगती है भला? थोड़ा देर तो लगता है ना जी। फिर भी कितनी? हफ्ता? ना जी ज्यादा ना जी। महीना? वो मैडम साहब जी, वो बात ये है, आप ऐसे समझो जैसे गुंबद के अंदर कबूतर उड़ता है ना और उसको रास्ता नहीं मिलता है, ऐसे ही हमारा सीने के अंदर माफी घूमता है लेकिन बाहर नहीं आता है जुबान पर। वही 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 वही, अब हम आपको कैसे बोल सकता है कि हमको माफी में कितना टाइम लगेगा? अजीब आदमी है रोशन खान। वो हमारा सारा कबीला ऐसा है ना मैडम साहब जी, माफी हम मांगते तो है ना जी लेकिन अंदर बाहर हमारा माफी जबान पर नहीं आता जी, माफी को रंजक चाटता है, गोली बाहर नहीं करता। जो गिर पहाड़ों आया थे चरखे दिकूह सुन के नी, जो तुझे बुरा लगे है तो ये ले। चीमा जल्दी से 200 रोटियां पका दे, चौधरी साहब के प्रौने आए हैं बांडे से। ले 200 रोटियां पका दे ना, तंदूर जब गर्म था तो कहां तू सोया मरा हुआ था है? मेरे से नहीं लगती 200 रोटियां। ठीक है अगर तुझे बुरा लगे है तो मैं मासी शरीफा के तंदूर पे चला जाता हूँ। ठीक है, 200 रोटियां कठी तो ऊपर से मुझे तड़ियां देता मासी शरीफा की, जा चले जा, नहीं लगती मेरे से 200 रोटियां, आ जाते हैं। अच्छा और बैठ जा, बैठ जा बड़ा शाह वरियाम, बैठ जा, मरे मिलने से आ जा कर। अच्छा लोन भी चाहिए? नहीं लोन तो पका रही है मजार में। कोई और इतना झड़का मारे ना तो बड़ा चंद्रा सा लगे, तू बड़ी सोहनी लगती है औखा बोलती हुई। मैं सोहनी लगती हूँ तुझे? थैंक यू भैया। अब तो गुस्सा ना कर लेना चीमा। ए जावे मैं कहाँ सोहनी लगती, सोने सोने तूने देखे ही कहाँ है खूबिया। सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम, आ गई टी रहा हूँ। अब्बा ओए होए 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 अब्बा, हाँ ये ले, ये पकड़ पैसे। नहीं बहुत सारे पैसे, वो नंबरदारों की रोटियां लगाई थी 200 कूबे के हाथ काल दी। 200 पूरी 200 ना काट ना बाद ले दस, मैं तेरे से झूठ बोल रही? अब पर ये बैठे बैठाए तुझे तंदूर की क्या सूझी, हर रंग का आदमी आता है वहां पर, फिर ये तेरी उम्र नहीं है ऐसे काम करने की। चल रहन दे, वहां क्या करती थी, काम ही करती थी शहर में? वो स्कूल था, लड़कियों का स्कूल है वहां की और बात। अब्बा जब आदमी का दिल मर जाए ना तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी काम करता रहे। कौन है? मैं तंदूर बंद कर रही हूं उक्का बुक्का। आ जाओ जवान, लंघ आओ लंघ आओ। आयो
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम खान साहब जी। घर का वजीर जी वो टांगे वाला ऐसा बेईमान था ना, ओए 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 ओए, उधर स्टेशन पर मेरे को बोला 5 रुपया लेगा। मैं बोला ठीक है, मैं टांगे में बैठ गया। आप जो चला आगे पुल पर आकर बोलता है, खान साहेब हम 10 रुपया लेगा, चलना है तो चलो नहीं तो उतरो। मैं भी उतर गया। फिर वो हमारा पीछे पीछे बोलता, खान साहब बैठो मैं तेरे को पहुंचाऊंगा। हम बोला हम नहीं बैठेगा यारा, तुम्हारा जुबान नहीं, तुम बेईमान है, हम तुम्हारा सवारी में नहीं बैठेगा। फिर नहीं बैठना का खैर है, पैदल आए। पर खान साहब अचानक आ गए आप, ना कोई चिट्ठी ना पत्र। ओ यारे हमारा वाले से बीमार है ना, पता नहीं उसको क्या बीमारी है। वो बस हमने रोज जावे उसका तबीयत वबीयत पूछे मुल्क में जावे। और पेरम तुम्हारे जैसे बेबापा तो नहीं है, रात के वक्त बगैर खुदा हाफिजी बगैर अलविदा के निकलना हमारा काम नहीं है। तू बैठी क्या कर रही है यहाँ पर? पराने के लिए मंजा लगा, पानी छानी पिया उनको, बैठ। हाँ जी, और ना पर मैं तेरी कौन सी खूबी पर वजीर से बात करूं, है ना कमला? चौधरी जी खूबियां खूबियां हैं जी मुझ में, धमाल मैं डाल लेता हूं, गा मैं सकता हूं जी। जोगी उतर पहाड़ों आया, चरखे दी कूक। सरंगी भी बजा लेता हूं जी थोड़ी बहुत ही टूटा जोगी। बेवकूफा कार नावे से चलते हैं, नावे से जनानियां खाने को मांगती हैं, हड़प हड़प कपड़ा लत्ता हंडाती हैं, इसका क्या करेगा? तो चौधरी जी को मैं बेवस्पा थोड़ी हूँ जी, आखिर मेलों में धमाल डालता हूँ जी, कभी कभी तो बड़ी बड़ी रकम हो जाती है, कसमी मान दी। कभी कभी तो चोर के पास भी बड़ी रकम हो जाती है नकर्मिया, ये हवाई रोजी की बात नहीं, घर चलाने की बात है। तो फिर चौधरी जी? तो फिर क्या, जो लड़की देगा वो आखिर पूछेगा कि भाई मुस्तकिल आमदनी का क्या जरिया है, बताओ। तो क्या बताना होगा? आप बता दें जी कि कूबा धमाल डालता है परियों जैसा। खलकत दंग रह जाती है मुझे देख के। तो तेरा क्या ख्याल है वजीर, मान जाएगा? मान तो लेना चाहिए चौरी जी, देखो ना कि छीमा की उम्र भी अब बढ़ेरी हो चली है जी। अच्छा पूछूंगा। चौधरी जी आप ये मेरा काम करा दें, मैं बड़ी दुआएं दूंगा जी आपको। यार कितना रोटी पकाया तूने, अब जेल है जनावर है, इतना रोटी किधर डालेगा यार? हम रोता है बड़ा कौन मर गया है तेरा? ये दुआ है रोशन का। हाँ बंद करो ना ये रोटी मोटी यार, ओए 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 कित रोटी पकाया तू? हाँ ये सफर में किसी और को भी रोटी देनी पड़ जाती। नसीम बीबी यारा हम तेरे शुक्र गुजार हैं, यकसर शुक्र गुजार है खुदा का कसम। और वजीर साहब को मेरा सलाम बोलना। अच्छा तुम भी अपने वाले साहब से मेरा सलाम बोलना। रोता है वो, फिर रोता है मां, यार कैसे समझाऊं मैं तेरे को? देखो मैं उधर जाऊंगा, अपने वाले सेब को बताऊंगा, उसको बोलूंगा, हमको पता है वो पहले मानेगा नहीं, लेकिन मेरे वाले सेब को मेरे से बड़ा मोहब्बत है ना, हम उसको मनाएगा, मना मनाएगा उसको। किस बात की ये रोशन खान? ओह
यार वो तेरे को समझ में नहीं आएगा ना, तेरे को पता नहीं है, वो मेरा वालिद से बोलता है कि जिसका इरादा पुख्ता ना हो, मजबूत ना हो, वो मर्द नहीं है। फिर भी किस बात का इरादा रोशन? वो यार अब मैं तेरे को हर बात तो नहीं बता सकता हूं मैं इस वक्त। देखो वसीम बीबी, मैं तेरे से वादा नहीं करता हूं, अगर तुम इंतजार करता है बखुशी तो ठीक है, लेकिन हम वादा नहीं करता है, वादा कर नहीं सकता है। वो अपना वाली सेब से बात करेगा का खैर है, लेकिन वादा नहीं कर सकता है ना। अच्छा खुदा का अमान। रोता है वो, फिर रोता है वो, यार कैसे लड़की है, तुम्हारे वक्त रोता है, हर वक्त रोता है। नहीं तेरे को बोला ना, हम पशेमान है, रंजीदा है, और कैसे तेरे से माफी मांगे? किस बात का माफी रोशन? यार अब तेरे को सारा बातें मेरे वक्त में तो नहीं बता सकता है ना। फिर भी रोशन खान किस बात का बताएगा? बताएगा लेकिन अभी नहीं, अभी मुश्किल है ना, नादानी है। दिल का बात किसी को नहीं बोल सकता है। अच्छा अच्छा امان السلام عليكم امان। चाचा छोटे छोटे बाल बैठे हुए हैं, हैं? तेरे से इंतजार नहीं होता? चाची जरा जल्दी रोटी दे। वे चाची होगी तेरी माँ, हैं? चाची जो आ जाता कोई चाची तो कोई मासी, खबर ना नाम लिया करो मेरा, चीमा नाम है मेरा, अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई मैं। साल तो हो गया होगा तंदूर निकाले भैन चीमा। ना साल हो दो साल हो, तूने मेरी कमाई में हिस्सा डालना। ज्यादा बात ना कर, फवी है फवी। क्या कहा क्या कहा? मैं कह रहा था पैंची माँ के साथ वाली सारी बह गई एक एक करके। चल यहाँ से, चल चल उठ, और खबरदार यहाँ पे दोबारा कदम रखा, आ जाते हैं वहां से। और मैं ब्याह करूँ ना करूँ मेरे साथ वाली कब्रों में चली जा, तुम्हें क्या भाई, तुम्हें क्या है? यहाँ से दिमाग खराब करके रखा हुआ। अच्छा जी फिर? अच्छा प्लान कर देता हूँ। आज क्या पक्का है? शलगम। दो रोटियाँ और एक प्लेट शलगम दे दे चीमा।
अल्लाह तेरी शान छीमा, ना पैर छीमा कहते हुए वक्खी में पीड़ होती है। ये तो मान वजीर है कि ब्याह वाली उम्र छीमा की कभी की लंग चुकी है। ये तो सच है चौधरी साहब। फिर तुझे इंतजार किसका है? मुझे किसका इंतजार होना है, छीमा ही नहीं मानती। ओ, इसीलिए सियाने कहते हैं कि रोजी का लहू औरत के मुंह मत लगाओ, मत लगाओ, औरत मुंह जोर हो जाती है, किसी की नहीं मानती। फिर आप बताएं चौधरी साहब मैं क्या करूं? और फिर तूने सदा जीने का कोई ठेका ले रखा है, सदा का रोगी, मैं तो कहूँ इसकी बांह फड़ा दे कुबे को। अच्छा जी, उम्र टप्पी कुड़ी जरानी से बदतर होती है वजीरिया, अकल कर कुछ अकल। चतुर जी, अगर तेरा बस नहीं चलता तो कुछ मैं समझाऊं चीमा को। आपकी अपनी तो ये चौधरी साहब, जो मर्जी ये करें। We'll be right back.
है तू? मैंने कर ले जो मेरा करना है। तलाक देनी है? दे दे अभी दे, जहर खिला दे मुझे, जहर खिला दे, मैं खुश तो नहीं हूं इस जिंदगी से। ये बैठे बिठाए क्या हो गया तुझे एकदम? बैठे बिठाए अब्बा 12 साल हो गए हैं मुझे तंदूर में जलते हुए। ये देख ये तौले आ गए कि नहीं मेरे सर में? देख तू भी देख कुबेर, देख तू भी देख। तो इसमें किसी का क्या कसूर है? 12 साल भी तो हो गए। 1000 दफा मैंने इससे कहा है, नहीं है रिजक तेरे लिए यहाँ, तू चला जा यहाँ से कुबेर, चला जा शहर। अब जला नहीं जाता मेरे से तंदूर में, मेरे अंदर तो आप पलाव जल रहा है, क्यों तेल डालता है जलती पे? अम्मा ऐसा बोल सारे सुनते हैं। ऐसे क्या शर्म है लोगों के सुनने की? ना कह चाचा कुछ भी, सारा दिन खपती है बेचारी। हाँ, डाल पानी डाल मेरे गुस्से पे, छीटा दे। कुबे बड़े साल मैंने तेरा इतबार किया है, बड़े साल मैंने तेरी बातें सुनी है कुबे। आस्ता बोल छीमा, आस्ता बोल। 1000 दफा मैंने इसे कहा है कि मेलों में ना नाचा कर, तू नाचा बनकर ना नाच, काम ढूंढ कोई, औलाद जवान हो रही है तेरी, मत नहीं आती तुझे। तू चाहती क्या है? मैंने क्या चाहना है, मैंने क्या चाहना है? आज मेरी भी नीली आंखें होती, गोरा रंग होता, मैं यूं बिलकती फिरती, मुझ जैसी चंद्री सूरतों की परवाह नहीं करता है ना कोई। ना छोड़ना, मैं आप ही रो रहा कि जब कहेंगे मत तू आ जा बरे ले ले सब। बेटे शहर में मजदूरी तो मिली जाएगी ना, फिर तेरी माँ की नजरों से दूर रहूंगा तो शायद उसे अच्छा लगा। क्यों नहीं चीमो? क्या बोलूं अब्बा, बोलने को है ही क्या? अब तो कुबे ने 500 रुपए का मनी ऑर्डर भी भेज दिया है, तू फिर भी खुश नहीं हुई? सब ठीक है अब्बा, बस मैं ही खराब हूं। क्यों अम्मा? ना शुक्री हूं मैं, ना शुक्री। कोई नहीं अम्मा, तू कहां ना शुक्री है? अब तो कुबे को पक्का मकान भी मिल गया है टकसाली में। अम्मा हम शहर जाएंगे ना छुट्टियों में? चले जाना, सब चले जाना, कोई किसी को रोक थोड़ी है किसी की। अम्मा
कौन है? कौन है अपने घर चौकता? बाहर निकलो। हमें जी हजरा जमील। उधर चोरों की तरह क्यों खड़ा है? इधर आओ ओला का, इधर आओ मेरे पास। चल राश राश उधर। खान साहब जी, हम आपका काका ले जाएं थोड़ी देर के लिए। काका? हाँ शहबाज खान। वो यार हम इसको अपने से जुदा नहीं करते ना, एक मिनट के वास्ते। मेरी माँ खुश हो जाएगी, उसको नीली आंखें और चिट्टा रंग बड़ा ही पसंद है जी। मेरी माँ बोलती भी नहीं जी, इसे देखकर जरूर बोलेगी। कौन है तेरा माँ जी ने? तनूर है जी हमारा, हमारी माँ का छिमा मासी का तनूर। दूर नहीं है यहाँ से। ले जाओ यार जी, ले जाओ। तुम्हारा काका हमारे घर का नहीं, ले जाओ। साहब जाना मैं शहबाज खान लगा वक्त पर से ही फिक्र मत कवा। अम्मा देख देख, हम तेरे लिए कितनी प्यारी चीज लाए। क्या है हाजरा? देख तो सही अम्मा, नीली आंखें चिट्टा रंग। शहबाज शहबाज खान। शहबाज खान जैसा होता तो तू मुझे भी ज्यादा प्यार करती ना। पुत्र क्या सोच रही है अंदरों अंदर ही? अब्बा मैं सोचती रही हूं कि हयाती तो चोर सिपाही का खेल है, खुशी चोर है और बंदा सिपाही। मुझ कदीम से बंदे की तो सारी हयाती खुशी को पकड़ने में गुजर जाती है, पर कभी तो चोर का कुर्ता हाथ आता है, कभी चोर की बाह। पूरा चोर तो कभी पकड़ा ही नहीं देता है ना सुदैन? चल उठ मुंह तो खाना खा, बेहतरीन बच्चे किस तरह सहमे हुए हैं। चल उठ मेरे। आंख मचोली का ये खेल आंख बंद होने पे खत्म। अब्बा मुझे भी चार पांच बादाम दे।
मेरा सर दर्द से फटा जाता है।